जुलाई 2016 की बात है। एक जवान घोस्ट हंटर की मिस्टीरियस मौत से हड़कंप मच गई। सूत्रों के मुताबिक मौत के कुछ ही दिन पहले यह जवान घोस्ट हंटर ने किसी हॉन्टेड प्रॉपर्टी को विजिट किया था, और कुछ लोगों का कहना है कि यह मौत महज एक सुसाइड है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फेमस घोस्ट हंटर गौरव तिवारी की, जो कि एक मिस्टीरियस अवस्था में मरे हुए पाए गए खुद के ही घर में, और इतने सालों के बाद भी इस मौत की वजह का सही कारण पता नहीं चल सका। गौरव का जन्म 1984 में हुआ था। हिंदी फिल्मों में बहुत ही छोटे से उन्हें दिलचस्पी थी और वो एक्टर बनना चाहते थे। अपने स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ ऑडिशंस दिए और कुछ माइनर टीवी एड्स में उन्हें काम करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल की थी, और उसी वक्त से उन्हें फिल्मों में भी मौका मिलने लगा। कुछ नामचीन फिल्में जैसे दिसंबर 16, टैंगो चार्ली वगैरह, इन सब के बाद भी गौरव अंदर से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो कुछ और ही करना चाहते थे। उनका दूसरा पैशन एयरक्राफ्ट, और एक तरह से वो एयरक्राफ्ट के लिए बहुत क्रेजी थे। उन्हें खुद को हवा में उड़ता हुआ देखने का जुनून सवार होने लगा, और इसी वजह से 21 साल की उम्र में उन्होंने यूएस में पायलट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और गौरव के असली ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। फ्लोरिडा में उनकी ट्रेनिंग चला करती थी और गौरव वहीं के एक अपार्टमेंट में रहते थे। हालांकि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी रहते थे। उस वक्त खुद गौरव को नहीं पता था कि ये वक्त उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, जिसका अंत उनकी मौत पर होना लिखा था। फ्लोरिडा के उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद से ही कुछ इनह्यूमन घटनाएं घटना शुरू हो गई, जिसमें अजीब आवाज़ों का आना, दरवाज़ों का खुद खुलना बंद होना, सायों का दिखना और गायब हो जाना जैसी चीज़ें शामिल थी। जहाँ बाकी के लोग इन घटनाओं से डर के खौफज़दा हो जाया करते थे, वहीं गौरव को ये इंसिडेंट्स बड़ी दिलचस्प लगती थी। जहाँ लोग आवाज़ें सुनकर भाग खड़े होते थे, वहाँ गौरव उन आवाज़ों के पीछे चले जाते थे। गौरव इन इंसिडेंट्स को साइंस के चश्मे से देखने की कोशिश किया करते थे। उनका कहना था कि हर घटी हुई घटना का कोई ना कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता है। इन घटनाओं ने गौरव के अंदर एक अजीब सी उत्सुकता और सीने में एक आग लगाना शुरू कर दिया था। वो इस अजीब सी मिस्टीरियस चीज़ों को जानने और समझने के लिए बेचैन होने लगे थे, और यही वजह रही कि गौरव ने एरो एकेडमी के साथ साथ अमेरिका के पैरा नेक्सस की डिग्री भी हासिल कर ली, और अब वो सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन चुके थे, या ये कहिए कि घोस्ट हंटर गौरव अब सर्टिफाइड हो चुके थे। ।2009 में गौरव इंडिया आ गए, और यहीं से उन्होंने अपना पैरानॉर्मल करियर की शुरुआत की। उन्होंने एक पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया, जिसमें उन फैमिलीज की मदद की जाती थी जो कि किसी भूत पिशाच या इनह्यूमन एंटिटी की वजह से परेशान रहते। बहुत ही कम वक्त में गौरव अपने पैरानॉर्मल प्रोफेशन को फुल टाइम देने लगे और पूरी तरह से बिजी हो गए। एक टाइम था जब गौरव के पास 250 से ज़्यादा ईमेल्स और 500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स डेली बेसिस पर आया करते थे। काम के इस लोड को आसान करने के लिए गौरव ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली थी, और कई बार उन्हें एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत भी पड़ती थी। थोड़े ही दिनों में उन्हें टीवी इंडस्ट्री से जुड़ने का जुनून फिर से सवार हो गया, और वैसे भी उनके काम का वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि उस वक्त मीडिया खुद उनके पीछे पीछे घुमा करती। गौरव को अलग अलग चैनल से इनविटेशन भी आने लगे थे, जिसमें खास पैरानॉर्मल सीरीज बनाने की पेशकश की जाती। फाइनली उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ वक्त निकाल के एक टीवी शो को हाँ कर दी, लेकिन उस टीवी शो का टाइटल उनके नाम के मुताबिक इनअप्रोप्रिएट। दरअसल सीरीज का नाम MTV गर्ल्स नाइट आउट था, लेकिन टाइटल जैसा इसमें कुछ नहीं था। एक्चुअली ये सीरीज रात के अंधेरे में होने वाले कुछ भयानक और मिस्टीरियस घटना पर आधारित, जिसमें दिखाए और बताए गए हर एक चीज़ रियल हुआ करती।
2014 के आसपास गौरव इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो चुके थे और उन्होंने मल्टीनेशनल टीम मेंबर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी शामिल थे। ये भी एक वजह बनी कि गौरव को एक ऑस्ट्रेलिया के पैरानॉर्मल सीरीज में काम करने का मौका मिला। सूत्रों का कहना है कि शूटिंग के दौरान गौरव बहुत निडर होते थे और हर एक डरावने इवेंट्स पर खुद से अकेले जाने की गुजारिश करते थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि गौरव को इन चीज़ों से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो हर डरावनी घटना के जड़ तक जाकर उसकी जांच करने की रुचि रखते थे। और इसी रीज़न से ऑस्ट्रेलिया के उस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में गौरव जानबूझ के अकेले ही उस डरावनी खंडर में कूद पड़े थे, जहां जाने से उनकी टीम डर रही थी। वो एक मेंटल असाइलम था जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था और वहां से पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की घटना सामने आई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, एक घंटे से ज़्यादा तक गौरव उस डरावने मेंटल असाइलम के चिल्लर के एरिया में अकेले थे। ये एपिसोड इतना पॉपुलर रहा कि आगे की 4 और सीरीज़ में उन्हें काम करने का मौका मिला, जो कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में शूट होना था। लेकिन उनके किसी घरेलू रीजंस के वजह से उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा और वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से ही जुड़े रहे। 6 जुलाई 2016 की बात है, गौरव को वेस्ट दिल्ली की एक प्रॉपर्टी पर आकर उसे चेक करने का इन्विटेशन मिला। ये जगह दिल्ली के जनकपुरी में थी, जहाँ रहने वाले लोग उस घर को छोड़कर जा चुके थे। रीज़न ये था कि उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर होने वाली घटना ने उस घर के लोगों का जीना हराम कर रखा था और इसी वजह से उन लोगों ने गौरव को अप्रोच किया। गौरव और उनकी टीम उस डरावने घर पहुँच चुकी थी और उन्होंने सारे ज़रूरी काम करके उस घर को करीब 2 बजे दिन तक नीट एंड क्लीन कर दिया था और अपने घर की ओर लौट चुके थे। गौरव के टीम मेंबर्स का कहना है कि लौटने के वक्त से गौरव बहुत इरिटेट और अलग अलग से लग रहे थे। यहाँ तक कि फ़ोन पर उन्होंने अपनी बीवी से भी झगड़ लिया था। उनकी शादी को अभी 5 मंथ्स ही हुए थे और इन 5 मंथ में गौरव ने अपनी बीवी आर्या को ज़्यादा वक्त नहीं दिया था और शायद इसी वजह से उनके बीच अनबन हुआ करती होगी। आर्या का कहना था कि दिन हो या रात, गौरव किसी वक्त भी अपने पैरानॉर्मल जुनून को पूरा करने के लिए निकल पड़ते थे, जिस वजह से घर वाले भी थोड़ा परेशान थे। आर्या हमेशा से चाहती थी कि गौरव एक डे जॉब कर ले। सब कुछ था उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर गौरव कहाँ सुनने वाले थे। झगड़े की रात को गौरव दूसरे रूम में सोने के लिए चले गए और दूसरी सुबह 7 जुलाई को 31 साल के गौरव की जान एक बेहद मिस्टीरियस तरीके से चली गई। गौरव सुबह 10 बजे उठ के वो अपने मेल्स पढ़ने में बिजी हो गए। उसी वक्त दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने आर्गुमेंट को भी ख़त्म कर लिया और नॉर्मल हो गए। फिर मेल्स पढ़ने के बाद वो वॉशरूम गए, जहाँ से उन्हें शावर लेकर 11 बजे तक रेडी होकर कहीं निकलना था। उस दौरान आर्या हॉल में टीवी देख रही थी और आर्या के साथ गौरव के बूढ़े फादर भी उस हॉल में टीवी देख रहे थे। उसी वक्त आर्या को बाथरूम से, जो कि ऊपर वाले फ्लोर में था, तेज़ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। ऊपर भाग के जाने के बाद देखा गया तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था, लेकिन अंदर से पानी की कोई आवाज़ नहीं थी और ना ही कोई ऐसी आवाज़ थी जो बाहर से सुनने वालों को परेशान करे। फिर भी आर्या ने दरवाज़ा नॉक किया और अपने हस्बैंड का नाम लेकर पुकारने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फाइनली आर्या ने अपने फादर इन लॉ को आवाज़ दिया और दोनों ने मिलकर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का लगाना शुरू किया और आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर घुसने पर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि गौरव ज़मीन पर अपनी पीठ के बल गिरे हुए हैं। उनकी आंखें बाहर की तरफ लटकी हुई सी दिखाई दे रही हैं। उनकी सांसें तेज़ हैं और पूरे बदन पर पसीना है। उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल पहुँचते ही उनकी मौत हो गई। शुरुआती जाँच में कुछ समझ पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके गले में पतले से जख्म के निशान थे, जो कि घर में गौरव की वाइफ और फादर को नहीं दिखे थे। मरने का रीजन दम घुटना बताया गया। उसी वक्त गौरव के कुछ दोस्तों ने बिना समझे ही हार्ट अटैक की न्यूज सोशल मीडिया पर डाल दी और इसलिए आज भी कुछ लोगों को यह लगता है कि गौरव हार्ट अटैक से मरे थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि गौरव ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद की जांच से यह थ्योरी साबित नहीं की जा सकी, क्योंकि बाथरूम में रस्सी लटकाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। बाथरूम के अंदर घुसने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। करीबी लोगों का कहना है कि गौरव एक जिंदा दिल इंसान थे, निडर थे और बहुत आशावादी थे, और सुसाइड जैसी हरकत उनके जिंदगी के डिक्शनरी में थी ही नहीं।
दोस्तों ने यह भी बताया कि पास्ट के कुछ दिनों से भी गौरव डिप्रेशन या सैड नहीं थे और ना ही उनकी बातों से वो कहीं से भी परेशान दिख रहे थे। उनकी शादी को 5 मंथ हुए थे, एक शानदार घर था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो सुसाइड की थ्योरी कहीं से भी रेलेवेंट साबित नहीं होती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद अंदर ही अंदर कोई दूसरी शक्ति उन्हें परेशान कर रही हो और उन्हें ये पता भी नहीं चल सका कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौरव के पिता ने कुछ अलग ही बयान दिया था। उनके मुताबिक गौरव ने अपने पिता से कहा था कि शायद कुछ दिनों से उन्हें कोई इनह्यूमन अननोन चीज़ फॉलो करती है। हर वक्त ऐसा लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है, हर वक्त उन्हें किसी न किसी के होने का एहसास होता है। गौरव के पिता ने यह इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दी और कहा कि उन्हें यकीन है कि गौरव की मौत के पीछे कोई बुरी शक्ति का हाथ है। गौरव ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से कुछ खतरनाक इनह्यूमन शक्तियों को निकाल के बाहर किया था और हो सकता है कि उन्हीं बुरी शक्तियों में से किसी ने गौरव की जान ले ली हो। साथ ही साथ गौरव के पिता ने यह भी कहा कि उन्हें घर में कई बार अनजान साया भी दिखा था। गौरव ने एक बार खाना खाते हुए अपने जिस्म पर हुए एक जख्म का भी जिक्र किया था कि यह जख्म उन्हें एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने के वक्त हुआ था। यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि गौरव के मौत की वजह नेचुरल थी या कोई बुरी शक्ति। डॉक्टर्स अब तक दम घुटने का सही रीज़न नहीं बता सके। पुलिस इस केस को सुसाइड ही मानती है, जबकि सुसाइड करने की कोई एक भी चीज़ मौके वारदात से बरामद नहीं हुई। चार्जशीट पर लिखने के लिए कोई नेचुरल काउज देना ज़रूरी होता है, शायद इसलिए पुलिस भी इस बात से मजबूर थी। गौरव ने अब तक 6,000 से ज़्यादा डरावनी जगह विजिट किया था और अनगिनत लोगों की मदद की थी और इतने यंग एज में उस मुकाम को हासिल करने वाले पहले शख्स थे। हो ना हो, उनके पैशन ने ही उनकी जान ले ली। उन्होंने दुनिया में घट रही डरावने इंसिडेंट्स का राज पता करने के लिए अपनी जान भी दे दी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।